हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कुकिंग अनदर होम टिप्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये चॉकलेटी कॉफ़ी केक, और ये बहुत इजीली बन जाएगा हमारे घर पर और बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी है, तो हम इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये दो कॉफ़ी के पैकेट लिए हैं, छोटे पैकेट्स जो आते हैं मार्केट में, और इसको मैं अब कट करके एक बाउल में डाल लूँगी। दोनों पैकेट्स आपको इतने लेने ही हैं। अगर आपके पास बोतल में है तो आप 2 टीस्पून के करीब ले लें। और अब मैंने इसमें 1 टीस्पून वाटर ऐड किया है, नॉर्मल वाटर, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए आप, इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको साइड में रख देंगे और आगे के प्रोसेस में हम मूव करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, पतीले को मैंने ऑयल से ग्रीस करा हुआ है और उस पर मैंने ये मैदा डस्ट करा है, और उसको मैदे से मैं इसको चारों तरफ से कवर करूँगी, और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा वो हम डाल देंगे। और ये मैंने एक फ्रेश बोल ले लिया है, और अब मैंने यहाँ पर 1 कप पाउडर शुगर लिया है। आप मेजरमेंट के लिए अपने टी कप यूज़ कर लें। देखिए, और अब मैंने यहाँ पर 1/2 कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि कोई इसमें लम्स ना रहे, और अगर लम्स हो भी जाते हैं तो आगे वो बैटर में मिक्स हो जाएंगे, आप इसका टेंशन मत लेना। देखिए, आपको इस तरीके से मिक्स करना है, अच्छे से शुगर अच्छे से मिल जाए ऑयल में। अब फ्रेंड्स, जब मैंने यहाँ पर एसेंस लिया है, चॉकलेट एसेंस, इसके मैं 5 to 6 ड्रॉप्स इसमें डालूँगी, और मैंने वनीला एसेंस लिया है, वनीला एसेंस की भी मैं 5 to 6 ड्रॉप्स डालूँगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हो। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया, और अब मैंने एक एल्युमिनियम का पतीले में नमक चढ़ा दिया है। नमक ये हमारा यूज़ करा हुआ इसलिए ब्राउन है, और उसके ऊपर प्लेट बिछा कर इसको प्रीट होने के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए। और ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, पहले 1 कप लिया है मैंने, इसको छान कर रखा हुआ है। आप इसको छान कर ही लें वरना लम्स पड़ जाएंगे बैटर में। और ये मेरा 1/2 कप मैदा है। और फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और ये मैंने 1 कप दूध लिया है, बॉईल करा हुआ है, पर ये ठंडा ना ही गर्म है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है बिल्कुल। इसको धीरे धीरे कर कर मिलाएंगे, एक साथ हमें बिल्कुल भी नहीं मिलाना है इसको। हम जैसे बना रहे हैं केक, फ्रेंड्स आप वैसे ही बनाओगे तो आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होगा। इसको आप अच्छे से मिलाएं। देखिए, अभी इसमें लम्स हैं पर ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए, दूध में मिला रही हूँ धीरे धीरे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। देखिए फ्रेंड्स, फाइन बैटर बनने लग रहा है। इस तरीके से मैंने सारा दूध अब इसमें यूज़ कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ देर इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें कॉफ़ी का ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है पानी और कॉफ़ी से, वो मैं अब इसमें डाल दूँगी। जो चम्मच पे था वो भी मैंने यूज़ कर लिया है। और ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर हुआ है एकदम बैटर का। एकदम चॉकलेटी लग रहा है हमारा बैटर।
क्रीमी बैटर और एकदम फाइन बैटर हो चुका है ये। और अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और साथ ही साथ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसको हम मिलाएंगे और हल्के हाथों से मिलाएंगे। और एक ही डायरेक्शन में मिलाए फ्रेंड्स, बैटर की कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून मिल्क ऐड किया है। नॉर्मल टेम्परेचर पे था ये मेरा दूध भी, जैसे पहले दूध था। और अब मैं इसको पतीले में डाल दूंगी बैटर को। देखिए आप बैटर, और इसको हम अच्छे से टैप कर देंगे ताकि कोई एयर हो तो वो निकल जाए। और अब हम इसको पतीले में रख देंगे और हम इसको बेक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और हम इसको चेक करेंगे करीबन 30 मिनट बाद। फ्रेंड्स, ये मैंने 30 मिनट बाद चेक किया है तो मुझे थोड़ा सा कम बेक हुआ लग रहा है, तो मैं इसको 5 मिनट के लिए और बेक करूँगी। और ये मैंने अब चेक किया है 5 मिनट बाद, तो ये मेरा केक बिल्कुल बेक हो चुका है अच्छे से। और ये मैंने नाइफ़ डालकर देखा है तो नाइफ़ क्लीन है बिल्कुल, इसका मतलब ये केक बेक हो चुका है। और इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है साइड में। गरम गरम इसको नहीं निकालेंगे, ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे। और कुछ देर ठंडा होने के बाद हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले हम नाइफ़ की हेल्प से इसको चारों कोनों से हटाएंगे। देखिए अब मैंने एक प्लेट ली है और इसको मैंने ऐसे पलट दिया है। आप देखिए इसको अच्छा सा हाथ से टैप करके हम केक को बाहर निकालेंगे। देखिए परफेक्ट केक बनकर तैयार हुआ है। और इसको दूसरी प्लेट लेकर इसको पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक कितना फ्लफी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। स्पॉन्जी कितना बढ़िया कलर आया है इसका, कहीं से भी ये ख़राब नहीं हुआ है। और अब फ्रेंड्स, हम चॉकलेट गनाच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और मैंने इसमें यहाँ पर 2 टेबलस्पून शुगर ले ली है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है और फ्रेंड्स 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने ऑन रखी है, हाई है अभी मेरी फ्लेम। देखिए इसको अच्छे से हमें पहले मिक्स करना है। हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1/2 कप, और 1/2 कप हम एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे कर कर डालेंगे। देखिए हमारी चॉकलेट गैनाज बनकर रेडी होने लग रही है। फ्लेम मेरी हाई है इस टाइम। देखिए इसमें इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होने लग रही है धीरे धीरे। अब मैंने फ्लेम थोड़ी कम रखी है, मीडियम पर है मेरी फ्लेम। देखिए आप इसको अच्छे से हिलाते रहे, मिक्स करते रहे, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे, लम्स अच्छे नहीं लगेंगे उसमें, तो इसको आप अच्छे से मिलाते रहें। ये पानी देखिए मैंने ऐड कर दिया है। और फ्रेंड्स, अब मैंने फ्लेम बंद कर दी है और इसको एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको हम फ्रीज में थोड़ा सेट होने के लिए रख देंगे। फ्रीज में सेट होने के बाद फ्रेंड्स, आप इसको थोड़ा सा चम्मच से हिला लें, अगर इसमें कोई लम्स हो तो उसको सबको रिमूव कर दें। और यहाँ पर मैंने एक कोन बना लिया है अपने घर के एक मैदे के पैकेट से, ईजिली बन जाता है घर पे कोन। और मैं इसको डेकोरेट करने के लिए अब ये चॉकलेट गनाज जो बनाई है इसको पर हम लगाएंगे। देखिए आप ऐसे आप प्लेट को घुमाएं तो ये चॉकलेट लगती चली जाएगी।
फ्रेंड्स, अब आप इसको अच्छे से लगा लें और फिर हम इसको सेट करेंगे नाइफ़ की हेल्प से। ऐसे फैलाएंगे इसको प्लेट को घुमाते हुए और नाइफ़ अपना आप सेट करता चला जाएगा। आप देखिए, हम इसको चारों तरफ से हमने इसको चॉकलेट से कवर कर दिया है। फ्रेंड्स, हम इसको डेकोरेट करेंगे चेरीज़ से। चेरीज़ अगर आपके पास ना हो तो आप ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास घर पर चेरी थी तो मैंने चेरी से इसको डेकोरेट किया है। वाइट चॉकलेट हो तो आप इसको वाइट चॉकलेट का भी एक लुक दे सकते हैं। डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें मैंने इस पे ऊपर चेरी की डेकोरेशंस की है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा केक बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। आप इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर फ्रीज में रख दें, आप फिर उसके बाद खाएं तो केक का जो स्वाद है वो डबल ट्रिपल हो जाता है पहले से। वेरी गुड लुकिंग है फ्रेंड्स केक। कोई कहेगा भी नहीं कि आपने घर पर बनाया है, वो आपसे से भी ये कहेगा कि आपने कहाँ से मंगवाया है। तो आप देखिए, ये बिल्कुल मार्केट जैसा केक लग रहा है। अब मैं इसको आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना अच्छा बना है। देखिए आप इसका अंदर से इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम जालीदार बना है हमारा केक। देखिए फ्रेंड्स, और अंदर कितना अच्छा लुक आया है इसका, कॉफ़ी का कितना अच्छा लुक आया है इसका। फ्रेंड्स, ये केक आप ज़रूर बनाएं लॉकडाउन में, और आप बाहर की चीज़ अवॉइड करके ये घर में बनाएंगे तो आपको बाहर की चीज़ याद भी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर फ्रेंड्स बनाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना हो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।